नमस्कार दोस्तों, मैं एक्सप्लोरर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। 2021 का नवंबर महीना एक विशेष महीना। क्यों विशेष महीना है? क्योंकि हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय त्यौहारों में से एक त्यौहार है, व्रत है, त्यौहार है दीपावली, जो इस महीने में 4 तारीख को पड़ेगी। और बहुत सारे त्यौहार हैं, बहुत सारा शुभ मौके होंगे, एक अच्छी शुरुआत है नवंबर के महीने की। तो ये पहला सप्ताह आपके लिए कैसे बीतेगा, आपकी राशि के लिए कैसे बीतेगा, आपके परिवार में जो अन्य सदस्य रहते हैं उनके लिए कैसे बीतेगा, सबकी अलग अलग राशि हो सकती है। पहले जानते हैं कि इस महीने में क्या शुभ है। पहले सप्ताह में 1 तारीख को रमा एकादशी है। भगवान विष्णु की जितनी उपासना कर सकते हैं कर लीजिएगा। रमा यानी माँ लक्ष्मी का एक नाम रमा होता है, यानी दीपावली से जो पहले एकादशी आती है इसमें भगवान विष्णु की पूजा अगर आप कर लेते हैं तो दीपावली में माँ लक्ष्मी का आना 100% तय हो जाता है। फिर धनतेरस आएगा, धनतेरस में खरीदारी करते हैं। 3 तारीख को नरक चतुर्दशी है, यम दीपक जलाया जाता है। हनुमान जयंती है। 4 तारीख को दीपावली है। 5 तारीख को गोवर्धन पूजा है। 4 तारीख को माँ लक्ष्मी को, गणेश जी को प्रसन्न करने का दिन है। धनतेरस वाले दिन सेहत को अच्छा करने के लिए प्रार्थना करेंगे भगवान धन्वंतरी से, कुबेर भगवान की पूजा करेंगे। दीपावली में भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव की भी उपासना करेंगे तो और बढ़िया रहेगा। गोवर्धन पूजा का दिन है और धीरे धीरे देखिए सारे जो मेन आपके पर्व हैं वो एक साथ लाइन से आ गए। और भैया दूज भी होगा 7 तारीख को, यानी बहन भाई का अटूट रिश्ता बना रहे हो और भाई अपनी बहनों की रक्षा करते रहे, उसके लिए वो टीका वगैरह करेंगे। तो हर दिन त्यौहार है इस पूरे सप्ताह में। 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक त्यौहार ही त्यौहार है। हर दिन शुभ है, हर दिन बढ़िया है। ग्रहों की स्थिति को अगर देखें तो ये कुंडली बनती है। बुध जो है लग्न में बैठे हुए हैं, ये एक कॉमन कुंडली है, हर राशि के हिसाब से नहीं है। ये ग्रहों की स्थिति जो सुबह बन रही है, तो सुबह जो लग्न होगा 2 तारीख का, ये जो हम बात कर रहे हैं 2 तारीख से 8 तारीख तक के सप्ताह की, तो लग्न में राशि जो होगी वो होगी कन्या राशि। और बुध लग्न में बैठे हुए भद्र नामक योग बनाएंगे। मंगल और सूर्य सेकंड हाउस में बैठे हैं और ये क्या बनाएंगे, आपका पराक्रम योग। और केतु जो है तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र जो है चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं धनु राशि में। गुरु और शनि जो हैं अभी शुरुआती दिनों में इस सप्ताह में पंचम भाव में होंगे। गुरु नीच राशि में है, राहु भाग्य स्थान में है और चंद्रमा अपनी यात्रा जो शुरू कर रहे हैं वो सिंह राशि से शुरू कर रहे हैं। तो ये ग्रहों की स्थिति है, इसी के आधार पर ये आपका साप्ताहिक राशिफल है। तो ग्रहों की बदली हुई स्थिति बहुत ही शुभ परिणाम आपको दे रही है। ये जो ग्रह का चार्ट देखा, ये हर राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। ईश्वर का आशीर्वाद आपको इस सप्ताह में मिलेगा। जीवन में आने वाली समस्याओं का अंत होगा। हर राशि के लिए यह सप्ताह कुछ ना कुछ बेहतरीन लेकर आया है। तो जानते हैं आपकी राशि के लिए क्या बेहतरीन लेकर आया है ये सप्ताह। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आइए जानते हैं आपकी राशि का हाल। बात करेंगे मीन राशि की। सप्ताह के शुरुआती दिनों में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां जो हैं वो कम हो जाएंगी और आपकी सेहत में सुधार हो जाएगा। आपके अंदर आत्मविश्वास और उत्साह जो है वो बहुत अधिक होगा। आप सभी मुश्किल काम बड़ी आसानी से कर लेंगे। कुछ शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं लेकिन आप उनका मुंह तोड़ जवाब दे देंगे। ऋण और कानूनी मुद्दे जो भी हैं, कानूनी मुद्दे और पैसों से जुड़े हुए मुद्दे, या आपने किसी से कोई उधार वगैरह लिया हुआ है पहले से, तो उस कारण से आप पर दबाव बन सकता है, आपको उधार चुकाना पड़ सकता है, कोई कानूनी मामला है तो शिकंजा कस सकता है, जिससे दबाव के कारण थोड़ी चिंता हो सकती है। सप्ताह के मध्य भाग में वैवाहिक जीवन का बहुत अच्छा आपको साथ मिलने वाला है। बहुत अच्छी उम्मीद बन रही है कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा, परिवार बहुत अच्छा होने वाला है, परिवार में खुशियां होने वाली हैं। लेकिन प्रेम संबंध में जो लोग हैं उनके लिए ये सप्ताह बहुत बेहतरीन नहीं कहा जाएगा। अगर आप प्रयास करते हैं तो अपने प्रेम संबंधों को सुधार सकते हैं। जीवन साथी के साथ कोई गलतफहमी ना बने इसके लिए आपको उनसे बात करनी चाहिए। रिश्तों में पारदर्शिता रखिए, चाहे जीवन साथी हो या आपकी प्रेमी प्रेमिका हो। सप्ताह के अंतिम दिनों में आपका स्वास्थ्य और अच्छा होता चला जाएगा। आत्मविश्वास धैर्य जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ग्रहों की स्थिति ये कहती है
कि आपको कुछ कामों में निराशा लेकिन अधिकतर कामों में इस सप्ताह में सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास और धैर्य को बना के रखिएगा। सांस लेने की जिनको समस्या है वो दीपावली के बाद थोड़ा पॉल्यूशन हो जाता है तो उनको समस्या हो सकती है। माता पिता का पूरा ध्यान रखिएगा और व्यायाम करते रहिएगा, दवा वक्त पर लीजिएगा और स्वास्थ्य अगर उत्तम रहेगा बड़े बुजुर्गों का तो आपको ही कम तकलीफ होगी, इसलिए थोड़ा मास्क वास्क लगा के रखिएगा क्योंकि पटाखे वगैरह छूटते हैं तो जो हवा में प्रदूषण होता है उसकी वजह से कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये सप्ताह आपके लिए अच्छा कहा जाएगा वैवाहिक जीवन के लिए। प्रेम संबंध में थोड़ा तनाव है, पारिवारिक जीवन अच्छा है, नौकरी व्यापार अच्छा चलेगा, कहीं से कोई चिंता नहीं है, लेकिन शत्रु से थोड़ा सावधान रहिएगा। घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम जानते हैं कि आने वाले त्योहारों में हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें शुभ लाभ हो। आपने जाना अपनी राशि का हाल। अब 2 तारीख को धनतेरस होगा आपके लिए। धनतेरस वाले दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करिए। धन्वंतरी इसी दिन अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे, माँ लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी। और आपके लिए सोना चांदी पीतल खरीदना बहुत अच्छा है, और अगर आप ये सब चीजें नहीं खरीद सकते तो धनिये के बीज खरीद लीजिए, इससे भी शुभ लाभ होगा। भगवान धन्वंतरी, कुबेर, गणेश, लक्ष्मी, माँ सरस्वती और शिव जी और विष्णु जी की उपासना जरूर करिएगा। यम का दीपक भी जलाइएगा छोटी दीपावली वाले दिन। कौड़ियाँ, खीर, बताशे भी खरीद सकते हैं या दान दे सकते हैं। झाड़ू जरूर खरीदें आप लोग इन त्योहारों में। और दीपावली वाले दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप व्रत भी रख सकते हैं और सही तरीके से पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। और अगर दीपावली वाले दिन कोई सुहागन महिला आपको मिलती है और वो आशीर्वाद देती है तो उनका आशीर्वाद जरूर लीजिएगा और स्त्रियों का सम्मान करिएगा, तो इससे अच्छी दीपावली कोई नहीं होगी आपकी जब आप स्त्रियों का सम्मान करेंगे। और गरीब कोई भी व्यक्ति हो उसको आज के दिन दान नहीं देना है, उसको उपहार दीजिए जो भी आप दे सकते हैं। दान एक अलग चीज होती है, आज उपहार देने का वक्त है। जब आप उपहार देंगे कुछ भी नहीं छोटा बड़ा, उससे माँ लक्ष्मी और प्रसन्न होंगी, भगवान शनि प्रसन्न होंगे। जो आपके नीचे काम करते हैं, जो जमादार हैं, जो सफाई करने वाले हैं, आपके घर जो काम करने वाले लोग हैं, उनको दान मत दीजिए, उपहार दीजिए, आज गिफ्ट दीजिए, तो उनके चेहरे की प्रसन्नता से ईश्वर बहुत खुश होंगे और ईश्वर के आशीर्वाद से आपका ये सप्ताह बहुत बेहतर जाएगा। तो 2 से 8 तारीख तक का ये सप्ताह का राशिफल मैंने आपको बताया। आपको सभी शुभ त्योहारों की बहुत सारी शुभकामनाएं। हरिओम, नमस्कार।